बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में एलिमेंट्स को डिस्कस किया था और कंपाउंड्स के बारे में भी हमने सेकंड लेक्चर में कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में ब्रीफ थोड़ा सा डिस्कस किया था। और अभी हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंपाउंड्स क्या हैं? आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। अभी तक 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, ये भी आपने पढ़ा है। 118 एलिमेंट्स मैंने आपको पहले टेबल पर दिखाया था, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, और उसके कंबाइन करने के लिए भी मैंने आपको वैलेंसी वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि या तो वो आयनिक बॉन्ड बना के कंबाइन करते हैं या कोवलेंट बॉन्ड बना के कंबाइन करते हैं। ये जो कंबाइन करना है यानी आपस में जोड़ना, ये दो तरह से है। अगर ये आपस में केमिकली कंबाइन करें यानी केमिकल चेंज हो, नई चीज़ कोई बने, और वो भी इन फिक्स्ड रेशो। फिक्स रेशो का मतलब है जितने एलिमेंट्स एक में रिक्वायर्ड हैं उसी तरह से, उसी सीक्वेंस से हमने इसको आगे बनाया हो। हम फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है हमारे पास H2O, तो इसमें दो एलिमेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन करके वाटर बना रहे हैं यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, और इनमें फिक्स रेशो है, फिक्स रेशो बाय मैस है। अब चेक करते हैं कैसे। सपोज हाइड्रोजन है हमारे पास, हमें ये पता है कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। अब देखते हैं इस मॉलिक्यूल में क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये कंपाउंड है, ठीक। पहली बात ये है कि कंपाउंड्स को हम हमेशा फार्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं, और आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। दूसरा, ये कंपाउंड में जब भी जो एलिमेंट्स मिलते हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि उनकी जो नई प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पहले गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, लेकिन जब इन्होंने कंबाइन किया तो हमारे सामने वाटर एक लिक्विड बन गया। दूसरी बात, इसका मतलब इन्होंने केमिकली कंबाइन किया तो एक नई चीज़ बनी है ना। दूसरी बात, इनमें फिक्स रेशो है बाय मैस, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है एक का 1, तो 1 अगर एक का है तो 2 का कितना हुआ, 2 हो गया, 1+1। ऑक्सीजन का मैस होता है आपके सामने 16, 8 इसका अटोमिक नंबर होता है ना। मैंने आपको रेड टेबल दिखाया था, मैंने बताया था ऊपर अटोमिक नंबर लिखे हुए हैं, नीचे उनके मैसेज लिखे हुए। यहाँ पर हमने रेशो मैस के हिसाब से बनानी। इसका मतलब है अगर मैं तोल के इनको लूँ तो दो हिस्से में अगर हाइड्रोजन लूँगी तो 16 पार्ट मुझे ये लेना पड़ेगा। दूसरे, इसको सिंपलेस्ट रेशो कर लो, 2 1 2 2 8 16, तो इनमें सिंपलेस्ट रेशो क्या हुई, 1:8। यानी जब भी हम वाटर बनाएंगे तो उनमें रेशो होनी चाहिए 1:8। इस तरह से दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए एक नई चीज़ बन गई, और जो कि एक गैस है। और इस बनने वाली चीज़ में यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस में, इसके बनाने वालों की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही, ठीक है। देखिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है जो कि जलने में मदद करती है, लेकिन बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपको बुझा देती है, इट मीन्स प्रॉपर्टी सुना ना। और कार्बन आपको पता है लकड़ी को, वुड को, कोयले को कहते हैं, इट मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है। अब देखते हैं रेशो बाय मैस क्या है। कार्बन, ठीक है, एटॉमिक मैस इसका होता है 12, इसके साथ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, अभी हमने पढ़े, तो 2 का कितना हुआ, शाबाश, 32, ठीक। अब 4 के टेबल पढ़ लेते हैं, 4 3 12, 4 8 32, सिंपल करिए इसको, तो सिंपलेस्ट रेशो इसमें हुई 3:8। इस तरह कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं उनके दरमियान फिक्स्ड रेशो होती है बाय मैस। बाय मैस इसलिए कहा कि हमने उनके मैस नंबर में रेशो निकाली, एटॉमिक नंबर में नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि वो केमिकली कंबाइन करें, केमिकल कंबाइन करने का मतलब ये है कि उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बनाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से इंटायरली डिफरेंट है। इसके अलावा भी कंपाउंड में और भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम अब इनको आम फिजिकल तरीक़ों से तोड़ कर दोबारा से एलिमेंट्स नहीं बना सकते। सपोज़ मेरे पास वाटर बन गया अगर, तो मैं वाटर को दोबारा से आसानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकती। इस तरह से मैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी आसानी से कार्बन ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकती। इट मींस कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कंपाउंड्स कितनी टाइप्स के हमारे पास। हमारे पास कंपाउंड नॉर्मली जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली और बनाते हैं वो दो तरह के हैं,
ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ताकि इनका कंपैरिजन आसान हो जाए। हमारे पास है जी कोवलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इसको हम दो तरह से क्लासीफाई करेंगे, नंबर वन आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं, नंबर टू कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड जो है वो आयनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। पहले हम बात करेंगे आयनिक की। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। सिंपल सी डेफिनेशन, द कंपाउंड विच हैव आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक बॉन्ड क्या है, मैंने आपको पहले डिस्कस किया है, जिसमें टोटली गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज मैंने आपको बताया था सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव बन गया और ये उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन ने वही वाला एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और नेगेटिव चार्ज बन गया। अब क्या होगा आयनिक कंपाउंड में, ये दोनों जो चार्ज हमारे पास हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, इन्होंने दूसरे के साथ लेन देन किया ना, अब इनकी फ्रेंडशिप होगी, गिफ्ट दिया गिफ्ट लिया, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होगी। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच हो जाएगी। इनके दरमियान हमने लाइन नहीं लगानी, आयनिक कंपाउंड को लाइन सिंडिकेट नहीं करते, ठीक है, बल्कि ये एक थ्री डायमेंशनल शेप बनाते हैं। थ्री डायमेंशनल मतलब जहाँ पे ये सोडियम पड़ा होगा ना उसके इर्द गिर्द में भी 6 क्लोरीन पड़े हुए हो, इसको ट्रैप किया हो, और क्लोरीन को 6 आगे से सोडियम ने ट्रैप किया हुआ है। लेकिन हम इनको सिंबलाइज करने के लिए इनका सिर्फ एक यूनिट लिखते हैं, हम इनको एक फार्मूला यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये एक आयनिक कंपाउंड है, उसको हम फार्मूला यूनिट के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। यानी अब हम ये नहीं कह सकते कि सोडियम क्लोराइड है तो उसका सब फार्मूला सिर्फ ये है जी सोडियम और क्लोराइड, ठीक है। ये थ्री डायमेंशनल फॉर्म में होते हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उनको नेगेटिव ने ट्रैप किया हुआ होता है, सराउंड किया हुआ होता है, और नेगेटिव वालों को पॉजिटिव ने ट्रैप किया हुआ होता है। इस तरह से एक क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, बड़ा सा क्रिस्टल बन जाता है, हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब है कि आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है ऑपोजिट चार्जेज हैं अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाएंगे, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ पर तो फ़र्क पड़ेगा। अब इनको बॉयल करना भी मुश्किल है, इनको मेल्ट करना भी मुश्किल है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। क्लियर होगी कुछ आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं, जो टोटल इलेक्ट्रॉन के लॉज और गेन से बनते हैं, ठीक है, और इनकी जो है वो इंडिपेंडेंट, हम इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, बल्कि ये थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको हम फार्मूला यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। अब बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जो कि आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से बनते, जैसे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर किया तो हमारे पास बन गया था HCl, ठीक है। तो ये भी एक कंपाउंड ही, लेकिन ये कोवलेंट कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया गया। कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से, ना हाइड्रोजन उसको दिया ना क्लोरीन उसको दिया, बल्कि उन्होंने आपस में शेयर कर लिए, शेयर करके ही आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। एक और एग्जांपल हमने डिस्कस की थी वाटर की, और ये बन गया H2O। अब और करें, कोवलेंट कंपाउंड को हमने मॉलिक्यूल के फॉर्म में इंडिकेट किया है, यानी इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से इंडिकेट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वाटर का फार्मूला क्या है, तो आप इसको सिंपल H2O लिखेंगे, क्योंकि यही रेशियो है ना, एक बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं वाटर के, लेकिन रेशियो यही होगी, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से इंडिकेट कर सकते हैं। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ही बॉन्ड है, लेकिन ये आयनिक से थोड़ा वीक होता है। आयनिक की नस्बत कोवलेंट जो बॉन्ड है वो काफ़ी वीक है, और इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़रा उनसे कम होता है, लेस होता है आयनिक कंपाउंड से, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपके सामने HCl है, वाटर है, ये थोड़े उससे सॉफ्ट होते हैं, जैसे बात ये क्रिस्टलाइन, ये सॉलिड होते हैं, ये जो लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, पोलर किस्म के मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हमारे पास ये आयनिक और जो कोवलेंट कंपाउंड है ये पाए जाते हैं। अब अगली बात करते हैं हम कंपाउंड्स के बाद मिक्सचर, फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर।
पहले ज़रा मिक्सर को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जी मिक्सचर की। मिक्सचर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि हम बाद में इनका एंड में कंपैरिजन कर लेंगे। मिक्सचर मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें, लेकिन जस्ट फिजिकल, ठीक है, कंबाइन करेंगे एलिमेंट्स, जुड़ेंगे तो सही, लेकिन ओनली फिजिकली, ठीक है, फिजिकली कंबाइन करें, नो फिक्स्ड रेशो, और कोई उनमें के दरमियान फिक्स्ड रेशो भी नहीं है, बस ऐसे ही आपने उनको मिक्सअप कर दिया। मैंने एक सिंपल से एग्जांपल बताई थी आपको, फ्रूट चाट बनाया था हमने, डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स लिए, चॉप किया उनको और मिक्सअप कर दिया। मेरी रेशो कोई नहीं थी, आपने बनाया, आपने भी कोई हिसाब किताब नहीं लगाया, जितने अवेलेबल फ्रूट थे जस्ट मिक्सअप और फ्रूट चाट बना लिया। तो दूसरा ये कि जब आप वो फ्रूट चाट खाते हैं एक चम्मच में अगर आपने लिया है, तो आपके मुंह में जो टेस्ट आएगा, आप आँख बंद करके भी खाएं तो आप बता देंगे इस फ्रूट चाट में क्या क्या डाला, क्योंकि इसमें जो बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूंट थे उनकी प्रॉपर्टीज़ बरकरार हैं। बनाना डाला है फ्रूट चाट में तो वो बनाना ही रहेगा, उसका टेस्ट एप्पल जैसा नहीं हो जाएगा। अगर हमने एप्पल डाला है तो एप्पल ही रहेगा, ग्रेप्स ग्रेप्स ही रहेंगे। हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये जस्ट फिजिकली कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। सपोज आप सिंपल सी एग्जांपल लें, केमिस्ट्री में एक एग्जांपल लेते हैं, आप रेत लेकर, ठीक है, उसमें नमक को मिक्स कर दें, सॉल्ट मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, आपके सामने पड़ा हुआ मिक्सचर सा बन गया, नमक और रेत मिक्स हो गए, ठीक है, सॉल्ट एज एग्जांपल, और साथ हमारे पास सैंड रेड वन, तो ये एक मिक्सचर है क्योंकि आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये सॉल्ट है और ये सैंड है, ठीक है, फिजिकली कंबाइन, आपको दाने क्लियर नज़र आ रहे हैं। और मैं अगर इस मिक्सचर का चाहूँ भी तो फार्मूला नहीं लिख सकती क्योंकि मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता, क्योंकि ये केमिकली कंबाइन ही नहीं करते, रिएक्शन ही नहीं करते, जस्ट मिक्सअप होते, ठीक। और दूसरा ये कि मिक्सचर को मैं आम फिजिकल तरीक़ों से सेपरेट कर सकती हूँ। सपोज मुझे फ्रूट चाट में ग्रेप्स नहीं पसंद, खट्टे होते हैं ना, मैं क्या करूँगी, फ्रूट चाट लूँगी, उसमें से ग्रेप्स चुन चुन के बाहर निकाल दूँगी, किसी और को जो मेरे साथ बैठा है मे भी उसको ग्रेप्स पसंद हो, मैं उसको दे दूँगी। तो मैंने उसको आम फिजिकल तरीके से अलग कर लिया ना। इस तरह से इसमें देखें, जब सॉल्ट और सैंड मिक्स है तो इनको भी हम अलग कर सकते हैं। चले माना कि सॉल्ट के ग्रेन छोटे छोटे हैं, हम उनको चुन नहीं सकते, हम क्या करेंगे, इनको पानी में डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा, जैसे पता रेत तो डिजोल्व नहीं होती ना, सैंड डिजोल्व नहीं होती, तो जो वाटर डिजोल्व हो गया उसको मैं फिल्टर कर लूँगी, अलग कर लूँगी, छान लूँगी, रेत अलग होगी, नमक वाला पानी अलग होगी। अब वो नमक वाले पानी को मैं अवेपरेट कर लूँगी, मतलब हीट करूँगी, पानी अवेपरेट हो जाएगा, नीचे सॉल्ट रह जाएगा, सिंपल वे। तो इसमें मैंने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया, जस्ट फिजिकल मेथड्स, जिससे मैंने इनको सेपरेट कर लिया। इट मीन्स कि मिक्सचर्स में ना तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है, बल्कि ये फिजिकली कंबाइन करते हैं, कोई फिक्स रेशो नहीं होती, इनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है, इनका कोई फार्मूला भी नहीं होता। और दूसरा ये कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट की, वो रिटेन रहती हैं, वही रहती हैं, चेंज नहीं होती, ठीक। और इसके बाद इसकी भी हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, मिक्सचर की भी दो टाइप्स हैं, थोड़ी बहुत हमने डिस्कस की थी पहले, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि होमोजेनियस का मतलब है हैविंग जस्ट सिंगल फेस। फॉर एग्जांपल आपने, आपके सामने है मिल्क ले लें, ठीक है, मिल्क एक मिक्सचर है डिफरेंट किस्म के, इसमें आपको पता है कि होते हैं वाटर होता है, शुगर होती है कुदरती तौर पे, ठीक है ना, इसके अलावा फैट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, वाइटामिन्स भी होते हैं, दूध में बहुत कुछ होता है मिल्क में, इसलिए हम इसको कहते हैं बैलेंस डाइट। देखने में हमें ये लगता है बिल्कुल यकजान, ज़रा वाइट ही नज़र आता है, अगर हम इसको शीशे के ग्लास में डाल के भी देखें तो फिर भी हमें बीच में फैट अलग से, प्रोटीन अलग से तैरती हुई नज़र तो नहीं आएगी ना, ही हमें मिनरल सॉल्ट अलग तैरते हुए नज़र आएंगे, हमें जस्ट एक सिंगल फॉर्म नज़र आएगी, जस्ट वन फेस, ठीक है। तो मिक्सचर तो ये है क्योंकि इसमें कोई जो है वो हमने स्पेसिफिक रेशो नहीं रखी हुई, मिक्सअप है, भैंस के दूध में जो है फैट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, गाय के दूध में फैट्स कम होते हैं, तो ये कोई रेशो नहीं है कि दूध है तो उसमें इतना ही फैट होगी, इतनी प्रोटीन होगी, इसलिए ये एक मिक्सचर है, लेकिन ये एक सिंगल फेस, वन फेस, यानी हमें एक ही फेज़ नज़र आ रही है, हमें इसे और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई और बाउंड्री नज़र नहीं आ रही,
फेजेस अगर टू होती तो हमें दो अलग अलग बाउंड्रीज नजर आती ना. फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं तेल और पानी को मिक्स कर दूँ, एक मिक्सचर बना दिए, वक्ती तौर पे वो मिक्सअप हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि मुझे उसमें तेल के ड्रॉप्स अलग तैरते हुए नज़र आएंगे और वाटर मुझे अलग नज़र आएगा. नज़र आ रहा है टू फेजेस, मोर देन वन फेज. तो ये क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास सैंड भी है, रेत में हम मुख्तलिफ किस्म के नज़र आते हैं ज़रे, और होमोजीनियस में हमारा मिक्सचर जो है वो ब्लड भी है. अब ब्लड में भी हमें सिर्फ रेड एक ही कलर नज़र आता है ना, देखने में वो होमोजीनियस ही है, बिल्कुल एक फेज, सिंगल फेज. हमें नहीं नज़र आता कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स अलग नज़र आ रहे हैं, वाइट अलग नज़र आ रहे हैं, प्लेटलेट्स अलग नज़र आ रहे हैं. तो ये है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब यहाँ पर देखें, कंपाउंड की हमने सिर्फ एक ही कंडीशन पढ़ी थी, वो होमोजीनियस ही होते हैं एक ही दफ़ा, उसमें हेट्रोजीनियस की कोई कैटेगरी नहीं होती. ठीक है, अगली बात कि अब हम इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे. इन्हीं जो कुछ हम पढ़ चुके हैं मिक्सचर कंपाउंड के बारे में, हम इनको ज़रा रिवाइज करते हैं और इनका कंपैरिजन हो जाएगा. ठीक है, पहली बात डिफ्रेंशिएट भी हो जाए ना थोड़ा. सबसे पहली बात, कंपाउंड्स कैसे बने, थोड़ा रिवाइज करें ना मेरे साथ कि ये केमिकली कंबाइन किया था उन्होंने. केमिकली कंबाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं. अब इसमें क्या हुआ था मिक्सचर में, फिजिकली कंबाइन. शाबाश, साथ साथ मेरे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा. इसमें अब मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही, इसमें एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, मिक्सचर में एलिमेंट्स फिजिकली कंबाइन करते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स में होते हैं, ये दे लॉस देयर आइडेंटिटी, अपनी शिनाख्त खो बैठते हैं. ऐसे ही होता है ना, जो चीज़ बनती है वो नहीं होती है पुरानी वाली चीज़ें, बिल्कुल डिफरेंट. हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बनाया, वो गैसें थी और बना लिक्विड. लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, यहाँ पे सर नंबर वन देते हैं, इसको नंबर टू देते हैं. मिक्सचर में क्या होता है, दे शो द प्रॉपर्टीज, दे शो शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो बना रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज शो होती, रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है, नंबर थ्री, कंपाउंड में ना फिक्स्ड रेशो होती है. अभी हमने पढ़ा फिक्स्ड रेशो होती है, और इनमें क्या था, यस नो फिक्स्ड रेशो, हम ऐसे ही बस मिक्स कर देंगे उठा के. नंबर फोर, इसको हम कंपाउंड्स को हम फिजिकल जो मेथड्स उनसे सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है ना, पढ़ा था ना, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. अच्छा, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल तोड़ ही नहीं सकते, हम वाटर को हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, वो केमिकल मेथड. हाँ, यहाँ बात हो रही है सिंपल फिजिकल मेथड, तो दे कैन बी सेपरेटेड, वर्ड लिख देंगे, इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड. ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा भी हुआ. उसके बाद नंबर फाइव, इनको हम दे आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, इसको हम केमिकल फार्मूला से इंडिकेट करते हैं. दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय, मिक्सचर को कोई फार्मूला होता है, नो फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं होता. ठीक, इनकी कंपोजिशन हमेशा, कंपोजिशन जो है वो होमोजीनियस ही रहती है, यानी एक जैसे ही होते हैं, या बनते हैं या नहीं बनते कंपाउंड्स. लेकिन ये मे बी होमोजीनियस भी हो सकते हैं, आपने पढ़ा है, और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, इनका जो मेन बात है समझने वाली आपकी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इनका नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट. अब यहाँ पर मैंने लफ्स फिक्स नहीं इस्तेमाल किया, मैंने शार्प इस्तेमाल किया है. अब इसको क्लियर करते हैं, शार्प मीन एग्जैक्ट वन. देखिए, मैंने वाटर को बॉइल किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आया 100, आपने बॉइल किया तब भी प्योर वाटर हुआ तो 100 ही आएगा, किसी और ने थर्ड पर्सन ने बॉइल किया 100 ही आया, क्योंकि प्योर वाटर का जस्ट वन एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आपका पानी 100 से मोर देन बॉयल हो रहा है, इट मीन्स उसमें इम्प्योरिटीज है, बिकॉज इम्प्योरिटीज क्रिएट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इम्प्योरिटीज से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. क्लियर हो रही बात, इसका मतलब है शार्प मीन एग्जैक्ट वन, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. यहाँ पे मैंने कहा नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल मैंने मिक्सचर बनाया कोई भी, मिल्क ही ले लें,
उसका मैंने बर्निंग मार लिया, सो व्हाट, कुछ और आ गया एक्स, आपने लिया वाई आ गया, डिफरेंट आ गया, किसी और ने लिया जेड आ गया डिफरेंट, सेम मिल्क, समझ आ रही? तो मे बी अगर कोई और, अब मिल्क फॉर एग्जांपल, मैंने जब मिल्क लिया हो फ्रेश था, थोड़ी देर बाद आपने लिया, आपने उसको थोड़ी देर बाद किया, उस टाइम भी करें, या हो सकता है मिल्क की कैटेगरी चेंज हो, तो मिल्क कहलाएगा तो मिल्क ही ना, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसको कहते हैं नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग। और आखिरी पॉइंट में आप क्या करेंगे, अगर डिफ्रेंशिएट आ जाए तो कंपाउंड में, कंपाउंड की एग्जांपल्स दे दें, कंपाउंड की एग्जांपल्स क्या हैं, आप ज़रा सिर्फ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते, कंपाउंड की एग्जांपल्स थी यस वाटर, ठीक है, और हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जिनके फार्मूले लिख सकते हैं ना आप, आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे टेबल्स भी बने हुए हैं जिनके फार्मूला लिख सकते हैं आप, वो कंपाउंड है, जिनका फार्मूला नहीं लिख सकते वो मिक्सचर है। सपोज देखें ना, हम वाटर का फार्मूला लिख, मैं अभी सिर्फ एग्जांपल्स लिख रही हूँ, बच्चे अक्सर एग्जांपल्स में कंफ्यूज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला है, अब आयन निकलें NaCl KCl फार्मूला लिख रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं, कंपाउंड्स। अब दूसरी तरफ देखते हैं, ब्लड का कोई फार्मूला मैं नहीं लिख सकती, इंक जो आप पेन में भरते हैं कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन मिक्सचर सा बना हुआ एक, ठीक है, सैंड, फ्रूट चाट, मुझे फ्रूट चाट को ज़्यादा ही पसंद है, फ्रूट चाट, ठीक है, सॉइल, मट्टी, ये सब क्या है, जाहिर सी बात है ये सब मिक्सचर, इनके कोई जो है वो, अच्छा आपकी पसंद की भी चीज़ लिख दूँ, आइसक्रीम भी मिक्सचर ही है, ठीक है ना, होमोजीनियस मिक्सचर है, सब कुछ मिक्स करते हैं बनाते हैं। इसके अलावा गैसोलीन, अब एक लफ्ज़ पढ़ेंगे आप गैसोलीन, गैसोलीन किसको कहते हैं, देखा है आपने, लड़कों को तो खासतौर पर पता हो, पेट्रोल को कहते हैं, ठीक है जी, पेट्रोल को कहते हैं हम गैसोलीन। एयर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एयर हमारा मिक्सचर डिफरेंट गैसेस, ठीक है, तो ये एग्जांपल्स मैंने कुछ डिस्कस किए, और इसमें आप दुनिया जहान के फार्मूले लिख सकते हैं, और लिखना चाहें और लिख दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट लिख दें, C6H12O6 लिख दें, सिंपल ऑक्सीजन लिख दें, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड लिख दें, ये सब क्या है, ये कंपाउंड्स, ठीक है, क्लियर हो गया। That was all about compound and mixture. Thank you so much.